भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। गणेश को दी गई आहुतियों का स्वर यहाँ कैसे सुनाई पड़ रहा है? स्वामी, क्या आप उस दुष्ट अदिति के साथ पाताल लोक पहुँच गए हैं? श्री महागणेश प्रकट हो, श्री महागणेश दर्शन दे, श्री महागणेश प्रकट हो, परम देव प्रकट हो, परम देव श्री महागणेश दर्शन दे, श्री महागणेश दर्शन दे, श्री महागणेश प्रकट हो, श्री महागणेश प्रकट हो, परम देव प्रकट हो, श्री महागणेश दर्शन दे, श्री महागणेश बंद करो यह अपहरण, मेरे आश्रम में मेरे शत्रु का अपहरण कदापि नहीं हो सकता, मैं ये नहीं सुन सकती। दैत्य माता दीति, यह आश्रम तुम्हारा कब से हो गया? यह आश्रम तो हमारे परम भक्त महर्षि कश्यप का आश्रम है और सदा सदा के लिए उन्हीं का रहेगा। इस आश्रम के कण कण में उनकी भक्ति के स्वर समाये हुए हैं। इस आश्रम का यज्ञ कुंड भी उनकी निरंतर साधना से भक्तिमय हो चुका है। जब से वो दुष्टा यहाँ से मेरे पति कश्यप को लेकर गई है, ये आश्रम मेरा हो गया है। यहाँ की मैं एकमात्र स्वामिनी हो गई हूँ। अपने द्वेष और प्रतिशोध पर अंकुश लगाओ दैत्य माता अदिति। जब तक मैं उस कुल कलंकिनी अदिति को अपमानित व दंडित ना कर दूं, तब तक मेरा प्रतिशोध शांत नहीं हो सकता। अपने प्रतिशोध की ज्वाला से धधकती हुई तुम एक बार नहीं अनेक बार देवी अदिति को दंडित करने का प्रयास कर चुकी हो, किंतु इसका परिणाम स्वयं तुम जानती हो। तुम्हारे प्रतिशोध ने देवी अदिति को नहीं स्वयं तुम्हें ही आहत किया है। इसी कारण आज तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं है। मैं उस पाखंडी कश्यप को लौटने के लिए विवश कर दूंगी। देवी अदिति, तुम अपने किसी भी प्रयास में तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक तुम्हारे भीतर प्रतिशोध का ज्वालामुखी है। नरांतक और देवांतक का आह्वान तुमने शुक्राचार्य को दिए अपने वचन को भंग करके किया है, किंतु वे यहाँ कदापि प्रकट नहीं होंगे। देवांतक और नरांतक को दैत्य माता दीति की आज्ञा का पालन करना ही होगा। दैत्य माता दीति, विधि के विधान में अकाल मृत्यु का विधान भी है। यदि नरांतक और देवांतक ने पृथ्वी लोक में प्रकट होने का दुस्साहस किया तो उन्हें अकाल मृत्यु का अधिकारी बनना होगा। आप अपने भीतर दैत्य जाति से इतनी शत्रुता क्यों रखते हैं महागणेश? दैत्य माता दीति, ये संसार हमारी लीला मात्र है। हमारी इच्छा से प्रकट हुए इस संसार के वासियों से भला हम शत्रुता क्यों करेंगे? किंतु यदि हमारे रचित विधान का अपमान किसी ने किया तो हम उसे दंडित अवश्य ही करेंगे।
देवांतक और नरांतक की आड़ में कहीं आप मुझे चेतावनी तो नहीं दे रहे हैं? संकेतों की भाषा तो तुम समझती नहीं हो दैत्य माता दीदी, इस कारण तुम इसे हमारी चेतावनी ही समझो। किस संकेत की बात कर रहे हैं आप महागणेश? दैत्य माता दीति की आहुति से हमारी आराधना के स्वर गूंजना तुम्हारे लिए स्पष्ट संकेत है। यदि तुम इसे नहीं समझोगी तो भविष्य में तुम्हें भयानक कठिनाइयों का सामना करना होगा। कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ेगा अथवा आपकी भक्ति का ढोंग करने वाली अदिति को? इसका उत्तर मैं नहीं, समय देगा। सावधान दैत्य माता दीति, तुम्हारे भीतर का द्वेष, प्रतिशोध तथा क्रोध का बवंडर कहीं तुम्हारा ही सर्वनाश ना कर दे। यदि तुम अपना हित चाहती हो तो अपनी प्रिय बहन देवी अदिति के पास जाकर उससे क्षमा याचना करो। अपने पति की सेवा करके पुण्य अर्जित करो, तुम्हारा कल्याण होगा। अनुरोध है कि तुम कुछ समय के लिए उनके समीप जाकर
उनके मातृ हृदय को तृप्त करो। तुम्हारे जाने से जगत जननी माता को शीतलता प्राप्त होगी। जाओ महोत्कट, माता पार्वती को वात्सल्य सुख प्रदान करो। यही इस समय तुम्हारा परम कर्तव्य है। आश्चर्य है, तुम स्वयं गौरी पुत्र हो और मुझसे कह रहे हो कि माता गौरी के समीप जाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से अज्ञात रूप में अदृश्य होकर स्नेहमय तपस्विनी माता अदिति को पुत्र वियोग में धकेल दूं, उनके जीवन भर की तपस्या और साधना को विफल कर दूं? नहीं नहीं महत्कट, मैं परम देव श्री महागणेश की परम भक्ति करने वाली माता अदिति के हृदय को दुख पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। गौरी पुत्र, पुत्र को अपनी आँखों के सामने देखकर माता प्रसन्न होती है। यदि मैंने तुम्हारा परामर्श स्वीकार कर लिया तो कल्पना करो कि माता अदिति की क्या दशा होगी। अर्थात तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान है, परंतु आश्चर्य है कि गौरी पुत्र होकर भी तुम अपनी वियोगिनी माता के पास क्यों नहीं पहुँचे, मेरे समीप क्यों चले आए। सत्य तो यह है महत्कट कि परम देव श्री महागणेश ज्योति का एक अंश अपने दूसरे अंश की परीक्षा लेने आया था। परीक्षा? हाँ महत्कट, परीक्षा। मैंने देख लिया कि महागणेश के हृदय में बहती भक्ति की पावन गंगा उनके सभी अंशों में जगमगा रही है। चाहे गौरी पुत्र हो, मयूरेश्वर हो अथवा अदिति पुत्र हो, सभी अवतारों का एकमात्र उद्देश्य है अपनी माता की भक्ति। शक्ति तत्व और गणेश तत्व संसार के सामने माता और पुत्र के अनुपम संबंधों का आदर्श स्थापित करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। हाँ महोत्कट, माता और पुत्र के इस अनुपम अटूट संबंध की धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति से संसार सदा सदा शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करता रहेगा। स्वामी उठे, पुत्र महोत्कट न जाने कहाँ चला गया। पुत्र महोत्कट, कहाँ है हमारा महोत्कट? न जाने कहाँ चला गया। चले स्वामी, शीघ्रता से बाहर चलकर महोत्कट को ढूंढते हैं। हाँ देवी, पुत्र महोत्कट। हे परम देव श्री महागणेश, मैंने जो भी किया वह आपकी इच्छा का सम्मान था। पुत्र महोत्कट, अदिति तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। मुझे महत्कट स्वरूप प्रदान करने वाली माता, मैं तुम्हारे चरणों का वंदन करता हूँ। महत्कट, तो माता से दूर जाकर माता को प्रणाम कर रहा था? दूर आकर भी पुत्र माता के समीप ही रहता है। पुत्र, मैं तो तुम्हारे समीप ही हूँ। समीप तो थी माता, परंतु दूर जाने का प्रसंग आ गया। कैसा प्रसंग पुत्र? तुम मौन क्यों हो पुत्र? इतनी रात गए, तुम कुटिया के बाहर क्यों आ गए? अपनी मातृ भक्ति की परीक्षा देने आया था पिताश्री। मातृ भक्ति की कैसी परीक्षा पुत्र? परीक्षा का प्रश्न छोड़ो माता, मात्र इतना जान लो कि तुम्हारा पुत्र अपनी परीक्षा में सफल हुआ। उसी सफलता के कारण मेरा हृदय गदगद हो गया। अच्छा, इसी कारण तुम माता को प्रणाम कर रहे थे, हाँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है
कि तुम किस परीक्षा की बात कर रहे हो पुत्र? सफलता का प्रमाण तुम्हें किसने दिया? अब समझने को रही क्या गया है देवी अदिति, हमारे पुत्र हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश के अवतार हैं। परम देव के समान ही इनकी लीलाएं भी चमत्कारी और आश्चर्यजनक होती हैं। परंतु स्वामी, महोत्कट की लीलाओं को देखकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है देवी अदिति। ये जो कुछ भी करेंगे उसी में संसार का और हमारा कल्याण है।